कैसी लगी आपको? पानी के लिए धक्का धुक्की हो रही है, जनता ज्यादा है। देखिए पानी के लिए कितनी लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, पानी लेने के लिए ये कीचड़ भरा हुआ है, उसमें जाते हैं बस्तर के लोग, किस तरह से ले पा रहे हैं पानी को, देखिए किस तरह की परेशानी करनी पड़ रही है सामना। का सरकार का धाम और यहाँ पर भक्तों की भीड़ का नज़ारा भी देख लीजिए। पंडाल तीनों भर चुकी हैं, उसके बाद भी लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं और वो वहाँ दूर तक बहुत लंबी कतार लगी हुई है, लगभग 20 किलोमीटर तक ऐसी लंबी कतार लगी हुई है। और देख लीजिए किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है, बहुत भीड़ है। जब आप आएंगे तो देखेंगे पैर रखने की भी जगह नहीं है, लोग बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं। ये यहाँ का दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर बागेश्वर धाम के महाराज जी पधारे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ हुई है। और देख लीजिए किस तरह का नज़ारा है यहाँ पर चारों तरफ, ये देखिए पानी के लिए लोगों की किस तरह से भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर दंदरगुआ सरकार में, और देखिए लोगों को पानी पीने के लिए किस तरह से यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है। ये है व्यवस्था यहाँ की जो कि आप देख रहे होंगे, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कितना पानी वेस्ट भी हो रहा है। कैसी लगी आपको? पानी के लिए धक्का धुक्की हो रही है, सही जनता ज्यादा है। देखिए पानी के लिए कितनी लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, पानी लेने के लिए ये कीचड़ भरा हुआ है, उसमें जाते हैं बस्तर के लोग, किस तरह से ले पा रहे हैं पानी को, देखिए किस तरह की परेशानी करनी पड़ रही है सामना। पानी भरते हुए लोग, भीड़ इतनी है कि संभालना मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए। किस तरह का यहाँ का नज़ारा है, किस तरह का दृश्य है, जो कि दंदरगुआ धाम का है। तो यहाँ पर भीड़ लगभग 10 से 12 लाख की जनसंख्या होगी, जो कि आज के दिन यहाँ पर पधारे हुए हैं भक्तगण। ये यहाँ का कुछ दृश्य है, कुछ नज़ारा है मंदिर के बाहर का। देखिए भक्तगण मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाते हुए किस तरह से भीड़,